जेम्स नाम है इसका और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये, और इसी में एहतमाम किया है हमारे नसर मलिक साहब जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और उन्होंने किताबें भी लिखी हुई और उनका काफ़ी वर्क है इसमें, तो उनकी आज इवनिंग मनाई जा रही है। यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी संदेश ट्रॉफीज़ भी रखी हुई हैं और ये पंजाब को जो वो पगड़ी है वो भी रखी हुई है उन्होंने, और मुख्तलिफ़ मसाला आजाद भी रखे हुए हैं पाकिस्तान, और ये यहाँ का कल्चर उन्होंने शो किया है। ये रेस्टोरेंट की मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग भी रखा हुआ है और ये मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने, और ये इसका अंदर का सारा पोर्शन है। उनके ये ऑनर है, ये आपका नाम क्या है? रमज़ान रफीक साहब। रमज़ान रफीक साहब जो है ना इसको चलाते हैं और यहाँ आज नसर मलिक साहब की इवनिंग मनाई जाएगी, और तो प्यारा आपका रेस्टोरेंट बना हुआ। बहुत शुक्रिया, रियली ऑनर्ड, आप तशरीफ लाए, बड़ी जी जी जी। ये आपकी फिर जो है ना डेकोरेशन, ये सारी पाकिस्तानी आपने कल्चर रखा हुआ है, फ्लैग्स भी रखा हुआ है सारा। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, हम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं यहाँ पर कोकोनगर के अंदर, और हम कहते हैं कि हम छोटा पाकिस्तान हैं, तो उम्मीद है कि दोस्त अहबाब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हमारे यहाँ आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये पाकिस्तान सोसाइटी का यहाँ पे लोगो है और ये मुख्तलिफ मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं। कुछ गेस्ट आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि वो हमेशा देर से ही आते हैं, वक्त पे पहुँचने का थोड़ा सा हमें कमी है। ये सारे गेस्ट बैठे हुए और ये भी हैं, नसर मलिक साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, और ये विलायत खान साहब भी बैठे हुए हैं, ये प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी के। साहब ने मुझे इनका पॉम्पलेट भिजवाया था, तो ये इनका प्रोग्राम है और ये इन्होंने मैसेज मुझे दिया था। आज के जैसे आपको बताया नसर मलिक साहब के साथ एक इवनिंग मनाई जा रही है, तो अब कुछ देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अहबाब काफ़ी आ गए हैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि यहाँ अगर जा सके तो किस तरह ये काम करता हो, मेरा असूल है पहले सलाम करता। मोहतरम हजरात, मोहतरम चौधरी वलायत खान साहेब, जनाब नसर मलिक साहेब, जनाब राना अता साहेब और जनाब हजरत ख्वाजा। आँख न देखा होता काश वो चेहरा मेरी, आँख न देखा होता मुझको तकदीर ने, उस दौर में लिखा जाएगी मौत खामोशी है, चुप रहे तो चुप लग जाएगी, जिंदगी आवाज़ है, बातें करो बातें करो। आज इंशाल्लाह हम आज हम लेकिन मसला ये है कि क्या क्या इसफ़ इकबाल का एक शहर है कि अल्फाज की शाखों पे सबर ही नहीं आता, अल्फाज की शाखों पे सबर ही नहीं आता, जो बात करे उसमें असर ही नहीं आता। तो बातें जो हैं मेरे ख्याल में आज बड़ी मानी खेज होंगी, मोहब्बत वाली होंगी, उल्फत वाली होंगी, खुव्वत वाली होंगी, ये गालगत वाली होंगी, और सबसे बढ़कर ये कि तैगाम रसा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से और बज़्म फ़िक्र नौ की तरफ से आप सब अहबाब का बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और चंद गुजारशात पेश करना चाहता हूँ।
कि मौका मिलेगा हर आदमी को इसमें हिस्सा लेने का, नसर साहब को खराज तहसीन पेश करने का, नसर साहब को जो उनका काम है और जो उनका नाम है, नाम तो ये है कि पेशावर से लेकर कलकत्ता तक और कराची से लेकर दिल्ली तक जो है इनके नाम की डंके की चोट की तरह बजता है। बेशक। और ये ऐसा खरा सिक्का है कि हर महफल में हर जुबान में इसको जारी किया जा सकता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो बात होगी वो नसर की बात होगी इंशाल्लाह। तो इनके काम का अहाटा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तायराना नजर मैं मारने लगा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसे और पेश मंजर के साथ काफ़ी चीज़ों को पहले पता है। नसर साहब जो है 1972 में दरबार मुंतकिल हुए और यहाँ सुकूनत इख्तियार की अपने भाई नजर मल जफर मलक के साथ उन्होंने स्कंडे नेविया का जो पहला उर्दू अखबार था सदाए पाकिस्तान, 8 साल तक उसके मसीर। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। दरबारे में वजारत हारजा के मातहत कैम होने वाली फॉरन प्रेस सेंटर के क्याम के लिए कोशिश करने वाली 4 बुनियादी गैर मुल्की सहाफियों में शामिल रहे, ये सेंटर आज तक कैम है। डैनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन डेनमार्क रेडियो में इनकी सर्विस का जो हफ्ता है वो 25 साल है और 25 साल इन्होंने सहाफत की जो खिदमत की है, जिस तरह बुलंदो बाग तरीके से इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, हर आदमी उस वक्त रेडियो लगा कर इनकी आवाज़ सुनता है। डेनमार्क रेडियो की उर्दू सर्विस के साथ साथ अपनी मुलाजमत के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के दौरे किए, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरे किए, मसलन लखनऊ में मलकता फैज अहमद फैज आलमी अमन सेमिनार, पाकिस्तान अकादमी अदबियात इस्लामाबाद की उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान की कौमी कौंसल बरए उर्दू जुबान की दिल्ली में मुनक्कद 2 कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और मकाले पेश किए। पाकिस्तान आर्ट कौंसल कराची की जानब से मुनक्कद होने वाली सालाना आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसों में 6 बार शमूलियत अख्तियार की, अपने मकाले पेश किए। सिंध राइटर्स गिल्ड की पाकिस्तान उर्दू कॉन्फ्रेंस में मकाला पेश किया। सियालकोट वुमन यूनिवर्सिटी में इन्होंने वेबिनार पर जो है हिस्सा लिया और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फख्र है, क्योंकि मेरा तल्लुक भी सियालकोट से है और मेरी छोटी बेटी का भी तल्लुक जो है सियालकोट से है। इसी तरह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, दक्कन ढाका यूनिवर्सिटी शोभा उर्दू की ऑनलाइन आलमी सर्विस उर्दू कॉन्फ्रेंस, जामिया मिल्ली की नई दिल्ली की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की इलामा इकबाल पर मुनक्कद ऑनलाइन आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। हमारा जो अब जो बातें हो गई हैं हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम भी समझते हैं। मस्किनी मुजाहिदा लैला हालत जुल्फकार अली भट्टू स्वीडन के मकतूल वजीर आजम ओलफ पालमे सदर जनरल जिया मोहम्मद ज़ियाउल हक के इंटरव्यू भी शामिल है। डेनमार्क की रॉयल लाइब्रेरी के इमाम पर उन्होंने बच्चों के इल्तिमाती कहानियां लिखने वाले आलमगीर शोहरत के हामिल डैनिश अदीब शायर एच सी एंडरसन जिसको आप कहते हैं कहानियों का तर्जमा किया, जिसे रॉयल लाइब्रेरी ने बड़े अहतमाम से किताबी सूरत में शाया किया। बच्चों के लिए आलमी अदब से मुंतब कहानियों के उर्दू तराजम पर मुश्तमिल उनकी 10 किताबें शाया हो चुकी हैं। हर किताब 10 कहानियों पर मुश्तमिल है। नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान इस्लामाबाद ने बच्चों के आलमी अदब के उर्दू में तर्जमा करता कहानी पर मुश्तमिल उन 3 किताबें शाया की और आलमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद ने बच्चों के लिए आलमी अदब से इंतहा पर मुश्तमिल अपने जदीद अदबियात का एक खसूसी ज़हीम शुमारा शाया किया, जिसमें इनकी तर्जमा करता 61 कहानियाँ 61 कहानियाँ शामिल है। नसर मलक साहब से मेरी वाकफियत रेडियो हम वतन के ज़रिए से ही हुई थी और मैं इस बात का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुतअस्सर नहीं, अगर होता तो आज मैं नसर मलक के शनासाओं में शामिल ना होता, क्योंकि जब मैंने रेडियो हम वतन शुरू किया तो किसी साथ ने मुझे कहा कि तुम रेडियो हम वतन पर मत जाओ, बदनाम हो जाओ। तो मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा वहाँ नसर मलक और बाशी कुरेशी। तो मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से लोगों से तल्लक रखूँगा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, और मैं खुश हूँ कि मैं आदत खाओ जो बातें मैंने कह ली थी
वो खाई साहब ने पढ़ ली और जो मेरा आखिरी बंद था टेप का वो भी उन्होंने कह दिया मुझे समझ नहीं आती। लेकिन नसर मलिक माशाल्लाह एक ये खुशकिस्मती है हमारी कि वो इस मुल्क में पाए जाते हैं जिसमें हम भी खुशकिस्मती से आ गए। एक बहुत बड़े अदीब हैं, शायरी का मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी समझ नहीं है मुझे कि कितने बड़े शायर हैं, लेकिन अदीब माशाल्लाह बड़े हैं और वो तर्जुम बहुत अच्छे हैं क्योंकि जितने किताबों का तर्जमा किया है अगर उनका वो हिसाब किताब लगाया जाए बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं उनके साथ मिलता है। लेकिन एक गिला हमेशा उनसे रहेगा कि उन्होंने किताब कभी दिखाई नहीं मतलब हमें उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि हम उस पर कुछ कह सकें कि ये मतलब तर्जमा कैसा हो गया और ये इन्होंने इस पर किस चीज़ को उजागर किया। बहरहाल अब उनका वादा है कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो पूरा दस्ता मुझे वहाँ से मिलेगा। तो बहरहाल माशाल्लाह वो मैं समझता हूँ उनका दम गनीमत है और उनकी बेगम भी बहुत अच्छी बहन है हमारी, बड़ी खिदमत गुजार है और वो ख़ुद भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट। मेरे इनके साथ मेरा ख्याल है जब से मैं डेनमार्क आया हूँ और इन्होंने होश संभाला है मेरा उस वक्त से तल्लक है इनके साथ और खट्टा मीठा तल्लक है उसमें नाराज़गी भी है प्यार भी है गिला भी है शिकवा भी है दूरी भी है नज़दीकी। पाकिस्तान सोसाइटी जिस तंजीम का नाम है उसने हमेशा हर तबका फिक्र से और हालात के मुताबिक जो भी यहाँ को काम करने वाला चाहे मसाजिद के अंदर है शायर है लिखने वाला है पढ़कर पढ़ाना बतलाने वाला है सबका हमेशा ख्याल रखा है और उनको हमेशा साथ लेकर चले। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जिस जगह में आकर बैठ गया हूँ आप यकीन करें कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जगह है और मेरे लिए बहुत बड़ी आनर है कि मैं आपने इन बुज़ुर्गों के साथ बैठा हूँ। मैंने इस डेनमार्क में तकरीबन 50 साल गुजारे हैं और उसमें लिखने वाले कहने वाले सिखाने वाले बतलाने वाले जो आपके सामने और मेरे साथ बैठे हैं इन्होंने अपनी जगह बहुत काम किया और मैंने इनसे सीखा। मैं वो मुनीर नहीं हूँ जो टाट पर बैठ कर पढ़ा हूँ तो किसी के नकल मारी तो ऐसे काम चला लिया। मैंने दर हकीकत इनसे सीखा है और इनसे सीख कर इस मुआशरे के अंदर जो भी अपनी आवाज़ आप लोगों के साथ मिलकर हम लेकर चले हैं। अब क्योंकि मोहतरम नसर मलिक साहब की बात हो रही है और बयान हो रहा है और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम से इसका इनका तलक रहा है। सब भाइयों को मेरी तरफ से और जैसे आपने जिक्र भी कर दिया कि मिट्टी डाले तो मेरी क्या की तरफ से भी आपको अस्सलाम वालेकुम। तो मलिक साहब जैसा कि आपकी तारीफ में तो काफ़ी बाग अच्छे अच्छे जो कि अदा हो चुके हैं मैं तो इस तरह हो सकता है ना अदा कर सकूं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब से डेनमार्क में कदम रखा मैंने आपको लिखते देखा बोलते सुना हर जगह पे हर महफिल में तो मैं समझता हूँ इसी तरह अल्लाह ताला आपको ये हमारे साथ इतनी आपकी उम्र लंबी हो गया हमेशा हम आपको सुनते रहें हर रेडियो पे हर महफिल में और पढ़ते देखते पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में भी आपकी किताबें जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि हर पाकिस्तानी नहीं सारी दुनिया में जैसे जिक्र कर रहे थे तो हमारे लिए इजाज़ की बात है जिस तरह आप हमारे दरमियान बैठे हैं हमारी खुशकिस्मती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इतने बड़े लोगों में मैं आ जाऊं और बात करूं और जहाँ और उनको मैंने कैसा पाया है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो ये सेरेमनी हो रही है
उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि एटलीस्ट हमने अपने लिविंग लेजेंड्स को अप्रिशिएट करना शुरू किया है। हमेशा हम लोग अपने अच्छे लोगों को खोने के बाद उनको याद करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि डेनमार्क में छोटी सी कम्युनिटी में हमारे पास इतने काबिल लोग हैं, तो इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए जितने भी, क्योंकि हम जैसे लोग और हमसे भी जो यंग बच्चे हैं हमारे, मैं ज़रूर चाहूँगी नौजवानों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी के लोग क्या क्या कुछ कर चुके हैं। आप लंबी किताबों की फहरिस्त सुनाते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये हमारी नौजवान नस्ल तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नसर मलिक साहब के बारे में जो मैं बोलना चाहती हूँ वो सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनके काम के बारे में मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं इनकी जो कहानियों के तर्जमे हैं वो बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ के। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनका एक कनेक्शन है मेरे साथ, और वो ये कनेक्शन है कि मुझे जब भी मैं जहाँ भी अटकती हूँ सो मेरा सबसे पहले एक मैसेज एक कॉल। मैं सिर्फ स्टार्ट करूँगा कि मेरा नसर मलिक साहब के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ था। 95-96 के दौरान हमने एक वन वर्ल्ड के नाम से इंग्लिश और डेनिश पहला जर्नल निकाला था क्वार्टर, और उसमें हमने उस वक्त की कल्चर मिनिस्टर यूटे हिल्टन को कवर पेज दिया था, और हमने उसके साथ एक ह्यूमन राइट्स मॉनिटर निकाला था कश्मीर पे, जो सिर्फ यूरोपियन यूनियन को और एम्बेसीज को जाता था। उस वक्त ईयू का एक सेक्शन था DG10 इंफॉर्मेशन सेक्शन, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं था, नई नई इवॉल्व हो रही थी। तो नसर मलिक साहब के साथ इंटरेक्शन होती थी, बाद में फिर मैं 10 साल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में रहा हूँ, या मेरा एरिया सिक्योरिटी और डिफेंस से था, लेकिन फिर रेडियो डेनमार्क पे और कश्मीर में, कश्मीर पे जो स्ट्रेटजिक जो कंट्रीब्यूशन है वो जो हमने मतलब हम कर रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हाउस के ज़रिए भी, तो यहाँ से इनको हमने जाना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चूँकि हमारा ताल्लुक ज़्यादा है परसेप्शन मैनेजमेंट से, और वो इनके हाई एंड की लॉबी हो, इनके जहाँ भी हो वहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन जो इनकी कंट्रीब्यूशन है परसेप्शन में वो है ज़ुबान की। अपनी ज़ुबान को मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में पढ़ा रहा था कास्टनेबो इंस्टीट्यूट में, तो संस्कृत ज़ुबान के सिर्फ दो स्टूडेंट थे, और संस्कृत ज़ुबान वहाँ पर बाकायदा एक प्रोफेसर था एक टीचर था, जी दो जी सिर्फ दो स्टूडेंट। मैंने फिर उनको तजवीज़ दी कि भाई स्टडी बोर्ड में कि भाई उर्दू ज़ुबान, उस वक़्त ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे माशाल्लाह, तो उन्होंने फिर उर्दू ज़ुबान को अहमियत देना शुरू की। एक इंग्लिश में नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे साथ जो है बहुत बड़े अदीब खड़े हुए और अदीब बैठे हुए यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं लिख लूँ हाथ से, तो मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो मैंने लिख लिया है, तो मैं उसमें शायद गलती ना करूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान सोसाइटी और फिक्रनो का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया और मुझे भी कुछ कहने की जो है दावत दी। नसर भाई के शान में ये शाम मनाना जो है ये बहुत पहले होना चाहिए था, मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन ये लेकिन वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत, तो जो भी है बहुत, लेकिन ये जो है बहुत पहले होना चाहिए था, और मैंने चौधरी बड़ाई साहब से बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद वो क्योंकि यहाँ होते नहीं ज़्यादा। एनीवे मैं नसर भाई को तकरीबन 50 साल से जानता हूँ, और मुख्तलिफ हैसियत में, शुरू में एक सहाफ़ियत की हैसियत से, जब मैं बहुत एक्टिव था डेनिश पॉलिटिक्स में तो इन्होंने बहुत इंटरव्यू के लिए बुलाते थे तो मैं चला जाता था, और फिर एक दोस्त के नाते से, और फिर चंद सालों से एक कॉलीग की हैसियत से जो है मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपनी ख्वातीन की मौजूदगी में बहुत खुश हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाई हैं, और उसके साथ साथ मैं बज़ में फ़िक्र नौ डेनमार्क और उसके अलावा पाकिस्तान सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज ऐसी खूबसूरत जो है एक शाम का अहतमाम किया है, जिसमें कि हमारे जैसे लोगों को बात करने का मौका भी मिला और आप जैसे लोगों के साथ बैठने का मौका भी मिला, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। सबसे पहले ये बात है कि
کہتے ہیں کہ اتر اون ہست کے خودش بگوئے نہ کیا آتا. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ اپنے منہ سے بولتا ہے, اطار جتنی اس کی تعریف کرے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر ادھر کو خوشبو ہوگی تو آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ادھر کو اپنی خوشبو جو ہے آپ تک پہنچا دے گا. اسی طریقے سے نثر ملک صاحب جو ہیں یہ ایک ادھر کی مانند ہے, اور وہ ان کا ادھر جو ہے نا, ان کی خوشبو دھیمی دھیمی خوشبو ہے, جس کو بعض اتر ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں, جیسے آپ ان کو سنیں گے تو سر میں بھی درد ہو جاتا ہے, مجھے ہو جاتا ہے. خوبصورت لمحہ ہے کوپن ہیگن کے دوستوں کے لیے, ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کاپی کرنا ہے. آپ نے میرے اس شہر کے بڑوں نے جس طرح سے نثر ملک صاحب کے لیے یہ تقریب اہتمام کیا ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کی ایک چیز ہے. 10 سال میرے خیال ہونے والے ہیں مجھے اس شہر میں آئے ہوئے, اور مطلب شہر میں لوگوں کے تعلقات اور لوگوں کی معاملات تبدیل ہوتے دیکھے تھوڑا بہت میں نے, اور ان ساری تلخیوں کے بعد آج یہ جو خوبصورت اسٹیج ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو بڑا پن ہے, جو اخلاص ہے اور جو اعتراف ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہمارے سب بڑوں نے مل کر نثر صاحب کے لیے یہ جو تقریب کا اہتمام کیا ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ بھی دیر نہیں ہوئی میرے خیال. میری بہنیں, میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں اور بچے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. آپ بہت معزز محترم ہیں میرے لیے سب, آپ کو پتہ ہے اسلام ساقی صاحب, آپ خواجہ صاحب اور بہت سارے لوگ جہاں جو موجود ہیں, ان کی محبت ہے جو ہمیں چلا رہی ہے. بے شک ہم سب کی جو چاہت ہے ایک دوسرے کی لیے وہی ہے جو ہمیں رواں رکھتی ہے, بیٹھنے نہیں دیتی, تھکنے نہیں دیتی. میں ادبی نہیں ہوں, کوئی ایسی ادبی شخصیت نہیں ہوں کہ میں آپ جیسے شعر بول لوں, آپ جیسے الفاظ استعمال کر لوں. جو اچھے الفاظ آپ, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ امبیسڈر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی ادبی محفل تھی, تو اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا, جو خوبصورت الفاظ آپ نے نثر صاحب کے لیے کہے ہیں نا, پلیز وہ میری طرف سے بھی قبول کر لیں. دیکھیے پاکستان سوسائٹی میں ہم سب ہیں, اور وہ بھی لوگ ہیں جو یہاں نہیں ہیں. پاکستان سوسائٹی یعنی پاکستانی برادری بہت رچ ہے, بہت لکی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. آج ہم پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے ہیں, شاعر ہیں, لکھاری ہیں, مصنف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قابل قدر ہیں. اور میں بہت سارے لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو مزدور ہیں, محنت کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں. یعنی موقع ملتا ہے نا مختلف لوگوں سے, مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے ملنے کا. بائی گاڈ جب بھی میں ان سے ملتا ہوں مجھے ایک نئی زندگی ملتی ہے, ایسا جوش, ولولہ, خوشی ملتی ہے کہ کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنے کامیاب ہیں یہ لوگ. تو آج اور آپ سب احباب کا جو بھی یہاں پر ہیں, فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ان عزیزان سے اور اپنی بڑی آپا سے بہت سلام اور بہت بہت اللہ کو جزا دیں. میں کیا کہوں, اور ہزاروں خواہشیں ہیں دل میں کس کس کا اظہار کروں, لیکن محدود وقت کے مطابق کچھ باتیں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کہ آج ڈنمارک میں سب سے پہلی اور بہت پرانی علمی و ادبی اور ثقافتی یہ تنظیم بزم فکر نو, جس کے بانی اور چیئرمین اور متعدد, جیسا کہا بھی گیا ہے چودھری محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا, متعدد رفاعی تنظیموں کے بانی اور متحرک کارکن جناب خواجہ محمد آصف, اور اسی تنظیم کے بانیوں میں شامل ہم سب کے پیارے شاعر و ادیب اور دانشور جناب اسلام ساقی صاحب, اور ڈنمارک میں ہم پاکستانیوں کی ملکی قومی تنظیم پاکستان سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین, اور بلدیہ کوپن ہیگن کے متعدد بار سٹی کونسلر منتخب ہونے والے جناب ولایت خان صاحب, اور ڈنمارک میں اسلامی تنظیم کے بانیوں میں شامل اور اردو صحافت کو فروغ دینے اور پاکستانی برادری کی متعدد رفاعی تنظیموں کو جان بخشنے والے میرے محترم خواجہ طارق عسکری صاحب, جو بڑے خاموش سے بیٹھے ہیں, اور ڈنمارک کے ساتھ
عالمی سطح پر پاکستان کے قومی تشخص کو اجاگر کرنے اور بر صغیر کی جیو پولیٹیکل صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے موقف کو دنیا بھر میں سامنے لانے کی کوششوں میں یکتا پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر میرے محترم جناب جاوید رانا صاحب جو کہ ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے آج موجود ہیں اور پاکستانی برادری میں ہر دل عزیز دینش قومی سیاست میں ملکی سطح پر متحرک اور دارالحکومتی ریجنل کونسل کے رکن جناب عباس رضوی صاحب اور وہ جنہیں ہر کوئی جانتا ہے اور جو ہر ہفتے آپ کے گھر میں بغیر دستک دیے گھس جاتے ہیں جناب باشی قریشی صاحب اور دوسرے سبھی احباب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فرزن فرزن نام لوں گا تو خواجہ صاحب میرے پانچ منٹ میں سے تین دو منٹ تو پہلے ہی کاٹ چکے ہوئے آپ سبھی احباب نے میرے لیے اپنی محبت خلوص پیار اور شفقت کا اظہار کرنے کا جو اہتمام کیا ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے ممنون ہوں. میں اس قابل تو شاید ہوں یا نہیں میں اپنے دل میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن میں اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں اور اس پر رب العزت کی کرم نوازیوں اور آپ سبھی احباب کی محبتوں کے لیے تہہ دل سے شکر گزار. میرے لیے اس موقع پر اپنے متعلق کچھ کہنا بہت ہی مشکل ہے. میں کیا اور میری اوقات کیا یہ میں ہی جانتا ہوں لیکن میرے بھائیوں نے میرے متعلق میری ادبی کاوشوں کے متعلق جو کچھ یہاں کہا ہے اور جس طرح میری کاوشوں کو سراہا اور خراج پیش کیا ہے اس کے لیے میں سب کا فرزن فرزن ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے فرد کے اعزاز میں اپنے لحاظ سے اس طرح کی یہ منفرد تقریب محض اتفاقیہ نہیں بلکہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے, کوئی پل دو پل کی بات نہیں. کیا بات میں 1972 میں یہاں ڈنمارک آیا اور تب سے اب تک قلم کی مزدوری کر رہا ہوں. کیا بات. آپ میں سے بیشتر جانتے ہیں کہ صدائے پاکستان جو ڈنمارک کا پہلا اردو اخبار ہی نہیں بلکہ اسکینڈینیویا کا پہلا اردو اخبار, اس سے لے کر نوائے وقت میں 11 سال ہر جمعے کے روز اس کے فرنٹ پیج پر میرا آرٹیکل ہوتا تھا, تجزیاتی آرٹیکل 11 سال مسلسل. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں میری کتابیں کتبین ہے, ہوئے مرکم جو رسوا ہے, کس در کس زندگی ہے, آواز کے رشتے ہیں, ایچ سی انڈرسن کی رائل لائبریری کے ایما پر کی گئی کہانیوں کے تراجم ہیں اور بہت کچھ ہے. 3 ڈینش ناول اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیے اور یہ ایسا موقع تھا کہ پہلی مرتبہ ڈینش ناول اردو زبان میں شائع ہوئے اور ان کی تقریب رونمائی کے لیے ڈینش امبیسی نے اسلام آباد میں خصوصی نہ صرف اہتمام کیا بلکہ ان مصنفین کو جن کے یہ ناول تھے ان کو وہاں بلایا گیا اور ٹی وی ٹو پر اس کے باقاعدہ تقریب رونمائی کی رپورٹ جو تھی وہ دکھائی گئی. اس کے علاوہ ڈینش اردو ڈکشنری ہے, اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب میں اور ہما نے یہ مرتب کرنے کا پروگرام بنایا تو دشواری ہمارے لیے یہ تھی کہ ہم تو جو لکھیں گے بڑے وسوخ سے لکھیں گے کہ ہمارا لکھا ہوا ہی حرف اول ہے اور حرف آخر ہے, لیکن نہیں, اس کے لیے ہمارا ساتھ کون دے کے ہماری پروف ریڈنگ کرے اور ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے. تو جب نظر گھما کر دیکھا تو ایک ہی بندے پر نظر پڑی اور وہ تھے ہمارے عباس بھائی. عباس کی خوبی یہ ہے, شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں اور اگر آپ برا نہ مانیں تو بڑے بزم میں راز کی بات کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ عباس 4 زبانیں جانتے ہیں, پاکستان کی 4 اہم زبانیں جو ہیں وہ جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ہم ملا لیں تو پاکستان میں بہت کم اور افغانستان اور ایران کی زبان فارسی جو ہے وہ تو ان کی مادری زبان. اگر آپ ڈکشنری اس کو دیکھیں گے تو اس میں کئی مستعار الفاظ جو ہیں وہ فارسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہی ان کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ ماں کی بولی جانتا ہے اور جس کو دودھ نہیں پلایا ماں نے وہ ماں کی بولی. کیا بات. تو انہوں نے ہماری بہت اچھے طریقے سے امداد کی اور مدد کی, شکریہ. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈنمارک ریڈیو کی اردو سروس جو تھی وہ تو ایسی بات تھی 25 سال تک کہ روزی تو کما کھائے مچھندر والی بات تھی, وہاں روزی ماں کا معاملہ تھا, لیکن
हमने अपनी बिसात के मुताबिक उसमें भी अदबी रंग जो थे उनके स्वच्छ चंद्रस मैगजीन में पेश किए। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 11 मरतबा सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब को टेलीफोन पर इंटरव्यू किया। और एक बात आपसे और अर्ज करूँ आज कि यहाँ मियाँ अशरफ साहब होते थे जी और आपके यहाँ वो जो जना स्कूल था, एक दिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब को हमने खूब लताड़ा खबरों में खूब। तो शाम को जब मैं घर पहुँचा तो एक वफद आया मियाँ साहब की सदारत में मिलने के लिए, थोड़े नाल गल करनी है। तो मैं समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं, क्योंकि मैं घर में अकेला था, अकेला रहता। खैर मैंने कहा खैर नहीं, तशरीफ आइए। कहने लगे जिस तरह तुम सदर साहब से इंटरव्यू करते हो टेलीफोन पर, क्या तुम उनके गोश गुजार ये बात नहीं कर सकते कि यहाँ जिना सुकूल के लिए हमें $10,000 चाहिए? ये बात रिकॉर्ड पर है। मैंने कहा जी क्यों कर सकते हैं? यकीन कीजिए उस दौर के अभी चार साहब जो हैं वो जिंदा है। मैंने वहीं से टेलीफोन किया प्रेसिडेंट हाउस में, उनके लियाकत ऑपरेटर थे, उन्होंने कहा जी आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए हम आपको वापस बुलाएं। तो कुछ 10 मिनट बाद वापस फ़ोन आया, तो मैंने जो पुरानी याद थी वो सुना दी जनरल साहब को और कहा कि आप ही खलीफा हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मेरे पास कुछ अहबाब बैठे हैं जिन्होंने बानी पाकिस्तान के नाम पर ये अदारा शुरू किया, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी माली मदद करें। यहाँ पर रज़ी अहमद सिद्दीकी साहब होते थे, उनके साहबजादे गवाह हैं इस बात के। एक नाम मैंने दे दिया, सदर साहब ने $12,000 भिजवाए जिसमें से उनको 8,000 मिले। ये बात थी एक छोटी सी, बाकी और बातें भी बहुत हैं। यहाँ पर बहुत दोस्तों ने बड़ी बड़ी बातें की, जनाब शौकत साहब ने तो कमाल कर दिया जी, वो कहते हैं कि गिट्टे पे मार गए हो, कोई गल नहीं। तारिक अस्करी साहब का गिला था कि उन्हें कोई किताब नहीं मिली। जाने मान मेरी सारी किताबें जो हैं वो डेनमार्क की लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। नसर मलिक कह के NASAR MALIK आप किताब मुस्तार ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि साडा वादा थोड़े नाल तुसीं जाओगे तो किताबां थोड़े घर पहुँचेंगी इंशाल्लाह। और एक और बात जो इन्होंने की वो बड़ी खूबसूरत थी कि हम मिलकर बैठते हैं दोनों भाई और हम माजी को याद करते हैं, क्योंकि माजी को याद करने से हमें मुस्तकबिल की राय मिलती हैं। बेशक ये सिलसिला हमें जारी रहना चाहिए। मुनीर मेरे अजीज हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया बिल्कुल आपने बजा कहा। मैं नंबर 40 में फ्लोर पे रहते था, ये 5वें मंजिल पे रहते थे, तो मैं तो शुरू से इनके नीचे लगा हुआ हूँ। आप हमारे बड़े हैं। और इनके जो मामू थे हमारे चाचा शफीक साहब, वो थे जिन्होंने सदाए पाकिस्तान के पहले शुमारे से हमारी आनत की और हमारी मदद की। उनके पहले शुमारे के सदाए पाकिस्तान के पहले शुमारे में उनका एक नोट भी छपा हुआ है। और सदाए पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इमदाद जो थी वो डेनिश रॉयल स्टील मिल की तरफ से सरकारी तौर पर, और डेनिश वजीर खारजा वजीर दफा और लमूला उनकी तरफ से जाती तौर पर 500 करोड़ का एक चेक जो था हर महीने मिलता था, इतराफ़ करते हैं। खैर शौकत भाई आपने ठीक किया जो कहा, अल्लाह आपको जजा दे। और मुल्की सियासत के साथ साथ हमारे लिए बहुत लाजम है, मुल्की से मुराद हमारे आबाई वतन की सियासत के साथ साथ हमारे लिए बहुत लाजम है कि हम यहाँ डेनमार्क की सियासत में हिस्सा लें। बहुत अहम बात डेनमार्क की सियासत में। शायदा आपने जो कहा मैं आँखें भर आएँ, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, मेरी बच्ची के बिरा पर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अल्लाह आपको खुश रखे। आप अपना काम जिस तरीके से कर रही हैं यकीन कीजिए ये सिर्फ कोई बात बताने के लिए यहाँ पर नहीं है, दिल से कह रहा हूँ। मुझे जिस जिस कॉन्फ्रेंस में जहाँ जहाँ मौका मिला है तहरीरी तौर पर
और तकरीरी तौर पर मैंने आपकी काविशों का जिक्र किया है और ये इसलिए किया है कि मैं देखता हूँ ताला बख्शद खुदा बख्शंदा मिस्टर मलिक साहब को मेडल पेश करेंगे और तमाम अहबाब उनके साथ खड़े हैं और इनकी खिदमत की तरफ में इनके सालों के हिसाब से काम के सिलसिले में शुक्रिया जनाब शाह साहब आओ विलायत खान साहब से सोसाइटी और सारे मिल के दे रहे हैं जी आ जाओ आ जाओ सारे सारे आए जरा प्लीज जरा हम सब इधर आओ इसको देख लें और अदीब शायर सहाफ़ी ब्रॉडकास्टर जामिया डैनिश उर्दू लुगत के मुअल्लिफ अफसानों और कहानियों के चार किताबों के मुसन्निफ बच्चों की 10 किताबों के तख्लीक़कार जनाब नसर मलिक साहब ये ख़वातीन का ग्रुप है नसर मलिक साहब के साथ अच्छा साइका साहिबा आई हुई हैं यहाँ पे और ये कहानी घर की बहुत शुक्रिया आप सबका बुलाने का और ये थोड़ा सा आपका ख्वातीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें ख्वातीन का आप उमा नसर साहब हैं नसर मलिक साहब की वाइफ हैं ये और आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है इन्होंने और ये मेरा ख्याल ख्वाजा साहब की बेटी हैं ये इरम ख्वाजा साहब लोग मशहूर हैं काफ़ी नाम इनका देखो उनसे आज ये आई हुई यहाँ पे और इसके बाद ये डॉक्टर साहब जी मैं फरा चौधरी डॉक्टर जी डॉक्टर फरा चौधरी डॉक्टर फरा हैं और ये भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किया और काफ़ी मशहूर शख्सियत है और आज इस प्रोग्राम में ये भी शिरकत कर रही हैं ये हमारी ख्वातीन हैं यहाँ पर शिरकत की है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का